ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, वीडियो को जो आप कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस, कलर रिटच वाला पार्ट जो है गाइस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वाला पार्ट आप बिल्कुल मिस मत करना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है? तो यहाँ से हम मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, फोटोज है जो आप इस टाइप से क्लिक करवा सकते हो, ठीक है? तो आप मतलब कि पोज वगैरह जो ध्यान से देख लो एंड ऐसे क्लिक करवा लेना। एंड बाकी गाइस उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। एंड उसके बाद जब आप यहाँ पर मॉडल को ऐड करो तो गाइस आपको उसकी ओपेसिटी कम करनी है यहाँ पे। एंड उसका चेक करना है कि आपका जो मॉडल हो मतलब यहाँ पे फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। देन जब आप वो फिक्स हो जाएगा तो आपको रिजल्ट टूल में जाना है। एंड रिजल्ट टूल में जाकर आपको जो नीचे का वेस्ट वाला पार्ट है उसको सिंपली इरेज कर देना है, ठीक है? तो मैं इसका पे फटाफट इरेज कर लेता हूँ। अब गाइस इसमें जो है मुझे कुछ कलर एडजस्टमेंट भी करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम गाइस, यहाँ से सिंपली चले जाएंगे, यहाँ से जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है उसमें चले जाएंगे। ये चीज़ गाइस हम मतलब लाइट रूम ऐप में भी कर सकते हैं, बट गाइस मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मतलब कि लाइट रूम ऐप में जो है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि हार्ड ना हो, तो वहाँ पे भी इजीली जो है हमारा बैकग्राउंड से मैच हो जाए मॉडल, बस इसलिए वहाँ पे हम करेंगे। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से कर लेना, आप अपने मॉडल में जैसा एडजस्टमेंट करना चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप अपनी फोटो के हिसाब से ही करना, कोई ज़्यादा डार्क भी ना हो एंड ज़्यादा मतलब कि बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, ठीक है? तो जैसे गाइस मैंने यहाँ पे जो हल्के फुल्के एडजस्टमेंट कर लिए, अब गाइस यहाँ पे क्या करना आप सभी को, अब गाइस यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इसको डन कर लेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो गाइस आपका, अब यहाँ पे जो है मॉडल के नीचे बनानी है आपको शेडो, ठीक है? वो शेडो आपको किस तरीके से बनानी है, आपको सिंपली जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको ऐड करके आपको फुल स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना है, आपको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज जो इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद गाइस फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, ठीक है? इस तरीके से। एंड गाइस जब इतना हो जाएगा गाइस, तो इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके इसको मूव टू डाउन कर देना है, एंड ओपेसिटी इसकी कम कर लेनी है। देन गाइस जितना हो जाने के बाद आपको सिंपली फोटो कर देना है डन। अब गाइस जितना हो जाने के बाद जो है गाइस यहाँ पे आप सभी को ऐड करना है एक पीएनजी, ये क्रो का, ठीक है? इसके बाद आपको इसको ऐड करना है। एंड इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ स्टेप से रख देना है, ठीक है? तो इसको मैं फटाफट रख के एंड इसके बाद बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो क्रो का पीएनजी लगा दिया, बट अब इसमें लगाना है आई का पीएनजी, ठीक है? तो आई लेंस लगाना है, तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी हम इसको यहाँ पे सिंपली जूम करके एंड इसको अपनी आई पे सेट कर लेते हैं एंड इस तरीके से। एंड जो उसकी ओपेसिटी है आपको उसको रखना है कम, ठीक है? तो बाकी हम इरेजर टूल में जाकर इसको हम जो इसका वेस्ट वाला पार्ट है उसको इरेज कर लेते हैं। एंड बाकी जो उसकी ओपेसिटी वगैरह वो आपको कम ही रखनी है, ठीक है? अगर ज़्यादा रखोगे तो फेक लगेगा, तो आपको इसका जो ओपेसिटी यहाँ पे कम रखना है। तो हम इसका कुछ रख लेते हैं 68 तक। एंड उसके बाद जो है सेम इसी का एक डुप्लीकेट बनाना आप सभी को, ठीक है? मतलब अब इसका हम ओपेसिटी हल्का से 38 तक रख लेते हैं, ठीक है? 68 में भी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो उसकी ओपेसिटी कम करते हैं, साइज़ को छोटा कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे एंड सेम इसको हम दूसरे वाले आई के पास भी ऐसे ही लगा देंगे। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद जो आपको सिंपली यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है? आप इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस इसमें देखिए गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है, इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में। अब गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको पहले इसमें लाइट एडजस्ट करना है। तो गाइस जैसे लाइट में जाओगे तो आपको पहले इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, हाईलाइट जो है गाइस जिसको यहाँ पे आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड जो गाइस शेडो है इसको भी थोड़ा माइनस करना है, वाइट है जो गाइस जिसको इंक्रीज करना है हल्का सा, एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे इंक्रीज करना है। फिर आपको जाना ऐसे कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जो टेम्परेचर इसको कम कर देना है, एंड मिक्स रूल में जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन माइनस करना है, लुमिनस बढ़ा देना है। फिर जाना येलो कलर में आपको उसका सेचुरेशन माइनस करना है एंड ग्रीन कलर का भी, एंड उसके बाद जो ब्लू कलर इसका भी, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब लगभग आपको सभी कलर का सेचुरेशन माइनस कर देना है। फिर आपको जाना है जहाँ से नीचे लेटर में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है। जाना नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोड रिडक्शन डालना है, बढ़ा देना इसका कलर नोड रिडक्शन। अब गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आए गए हो तो यार यहाँ पे इनमें से कोई भी वीडियो को आप क्लिक करो एंड कोई भी वीडियो को वॉच करो। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।